नंबर एक साहिब को बंदगी करना है। ये बंदगी शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को तो बंदगी का अर्थ नहीं पता है। अंजलि बांधकर उकड़ू बैठकर तीन बार सिर झुकाकर तीन बार सिर उठाकर साहिब बंदगी किया जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ जीव तीन तापों में दुखी रहता है, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। जब हम इष्ट देव को, गुरुदेव को साहिब बंदगी करते हैं, तीन बार बंदगी करते हैं कि हे गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद देना कि मुझे तीनों तापों से बचा ले। दैहिक, इस शरीर में जो व्याधि है, रोग है, इससे भी बचाना। ऐसा ज्ञान देना कि शरीर भी स्वस्थ रहे। दूसरा, दैहिक, दैविक और दैविक दुख, दैविक ताप, दैवी आपदा, जैसे भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, अकाल पड़ गया, ये दैवी आपदा है। बिजली गिर गई, ऐसी दैवी आपदाओं से भी बचाना। कुछ ऐसा आशीर्वाद देना गुरुदेव, दैवी आपदा भी ना आए। अभी मुखिया विजय कुमार यादव कह रहे थे कि जैसे हरा भरा ये चमन है, बाबा आए हैं, सब तरफ हरियाली है, बाबा चले जाएंगे, लेकिन बाबा ऐसा आशीर्वाद देना कि ये मिट्टी, ये धरती, ये चमन सदैव हरा भरा ही बना रहे, कभी रूखा सूखा ना। ऐसा आशीर्वाद मांगा है। तीसरा, भौतिक, भौतिक कष्ट। भौतिक कष्ट कैसा होता है? आपका शरीर भी भौतिक है, ये संसार सब भौतिक है। प्राणियों की ओर से, शत्रुओं की ओर से, पशु पक्षियों की ओर से भी हे गुरुदेव कोई आपत्ति आपके भक्तों के ऊपर ना आए। ये तीन बार हम आपको बंदगी करते हैं, ये तीनों दुखों से आप बचाना। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। राम राज्य नहीं काहुक व्यापा। राम के राज्य में ये तीनों ताप किसी को व्याप्त नहीं होते थे, ऐसा लिखा है। राम राज्य का अर्थ क्या है? आज राम नहीं है, आज केवल राज्य है। बिहार राज्य, यूपी राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, छत्तीसगढ़ राज्य,
राज्य बचा है, राम गायब हो गया। लेकिन राज्य में जब राम का प्रवेश हो जाए तो राम राज्य हो जाता है। और राम के प्रवेश का मतलब क्या होता है? जिस राज्य में सत्संग होता हो, जिस राज्य के निवासी भक्ति करते हो, जिस राज्य के निवासी भाई भाई राम लक्ष्मण की तरह प्रेम से रहते हो, जिस राज्य के लोग नर नारी पति पत्नी आपस में मेलजोल से रहते हो, जिस राज्य में अपने पिता की आज्ञा का पालन पुत्र पुत्री करते हो, जिस राज्य के लोग परिश्रम खूब करते हो और गुरुदेव का प्रवचन सुनते हो, वो राज्य ही राम राज्य कहलाता है, राम राज्य कहलाता है।